नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लौंग से प्रचंड वशीकरण किया जाए। जी हाँ, सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है। हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें अपने मुंह में दबा कर रखना है। जी हाँ, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं। जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो, तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उसके बारे में सोचना है। जी हाँ, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुँह में रखेंगे, और जब आप ये लौंग अपने मुँह से निकालेंगे, वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये। जी हाँ, ये शक्तिशाली वशीकरण है, सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये। तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए, किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही कांप जाए, वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या, वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। जी हाँ, इतना प्रचंड वशीकरण है ये। तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं, तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा, तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा। तो दोस्तों, किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है, ये बताया मैंने आपको, बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है, इस वशीकरण की भी एक शर्त है। अगर इस शर्त को आप मानेंगे, तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा। और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। एक लौंग आपको मुंह में रखनी है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा, मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो, कि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है, बल्कि ये तरीका सही है, लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है। दर्शकों, वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए, इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए, किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं, तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले, खासकर ये विधि अपनाने से पहले, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस अपने मन में ठान लीजिए, उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया। इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं। कोई और समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपको हर जानकारी दी जाएगी। किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है, तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा। फोन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी। जी हाँ, तो फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं।